हेलो मम्मी, हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार श्रीवास्तव आप सभी के लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सीन जो है सपनान कंपनी का है और यहाँ कटी जा रही है विनायका ऑटोमोबाइल्स के सौजन्य से। इस मशीन को कसने में टाइम तो कुछ ज़्यादा लग गया क्योंकि इसका फाउंडेशन नहीं सही था, और फाउंडेशन के साथ ही ये मशीन कस के दुरुस्त हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये मशीन पूरी की पूरी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बाकी जो लोग जानते हैं वो जानते ही हैं कि ये कटर बार है, और कटर बार नीचे लगा हुआ है, ये व्हील है इसका, और इससे जो है गेहूँ को या धान की जो खड़ी फसल है उसको ये अंदर धकेलता है। जिससे क्या होता है, नीचे कटर बार कटिंग करता है और कटिंग करके सीधे इसके माध्यम से किनारे जाता है, और वहाँ से एलिवेटर के माध्यम से अंदर चला जाता है अनाज। इस मशीन में एक खासियत है कि छतरी लगी हुई है जो कि हमारे हिसाब से थोड़ी छोटी है और थोड़ी होनी चाहिए। इसका ये अनाज टैंक है जिसमें गेहूँ या धान जो दाना होता है वो हमारा फसल का दाना यहाँ रुकता है। ये थोड़ा अन्य कंपनियों के मुकाबले बड़ा है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है। जैसे अगर गेहूँ है तो मान के चलिए कि 5 से 6 क्विंटल अट जाएगा आराम से, और अगर धान का फसल है, चावल है, तो धान जो है कम से कम इसमें 4 क्विंटल धान अट जाएगा। इसके अंदर का भी व्यू मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, और आइए इसका एक बार फाउंडेशन देख लेते हैं पीछे का। ये एलिवेटर जो है, ये जो अनाज में कचरा आ जाता है, जो कचरा होता है, उस कचरे को ये फिल्टर करके फिर ये ले जाके ऊपर पेटी में डाल देता है, जिससे उसकी एक बार और धुनाई होती है और जो कचरा होता है अनाज आपको दाना साफ मिलता है। इसका झरना काफ़ी बड़ा है, और इधर जो है ये इसकी पुल्लियाँ हैं, आप ये देख सकते हैं, ये मेन पुल्ली और ये पीटीओ साफ्ट वाली पुल्ली है जो पीटीओ से पावर इसमें आता है। ये 3 बेल्ट से चलने वाला थ्रेसर है जिसमें 3 बेल्ट से चलता है, अन्य कंपनियों में लगभग 2 बेल्ट से ही चलाया जाता है। ये इसका एलिवेटर है। आगे ये ईंट, आप लोग सोच रहे होंगे वो ईंट क्यों रखा है। ईंट इसलिए रखा गया है कि ये ट्रैक्टर थोड़ा आगे से हल्का पड़ रहा था, तो ये आगे का जब तक कटर बार नहीं लगा था तब तक ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहा था आगे से, और इसी लिफ्ट करने की वजह से इसके ऊपर ईंट रखना पड़ा है ताकि इसको थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ने पर आगे पीछे चलाया जा सके। आप लोग को लगभग पता ही है, ये आपका रील चलाने का है, इससे इस राड से आप रील चलाते हैं, और इस वाले राड से, इस वाले हैंडल, उधर हैंडल ग्रिप लगा हुआ है, इससे जो है आप एलिवेटर चलाते हैं, इससे चलाते हैं, और इससे अनाज गिराने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। इसे आप आसानी से अनाज ट्राली में उतार सकते हैं। बाकी देखिए, यहाँ विशाल बाबू काम पे लगे हुए हैं, काम काफी मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं।
अभी सीख ही रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी भी है इनको। बाकी आप ट्रैक्टर का दूर से व्यू इस तरह ले सकते हैं। ये ट्रैक्टर 960 स्वराज का गाड़ी है और यह मशीन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कसी जा रही है। यदि किसी भाई को जरूरत हो तो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग कॉल करके इसके विषय में और जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, लाइक कम कर रहे हैं आप लोग, वीडियो कम चल रही है, जिसका मुझे बहुत दुख है। और मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो बनाऊं, अच्छा वीडियो बनाऊं, जानकारी वर्धक वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, सुधार करने की चीज़ों को बता सकते हैं कि क्या मैं सुधार कर सकता हूं, जिससे कि हमारी वीडियो और अच्छी परफॉर्मेंस करे और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो। यदि आपके पास मिनी कंबाइन मशीन है और आप चाहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको दूर कराना, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये विनायक ऑटोमोबाइल्स का नंबर मैं दे दूंगा, ये लोग मशीनें दुरुस्त भी कराते हैं, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अब आती है बारी टंकी देखने की, मैं आप लोगों को टंकी चढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका टैंक है, इसके माध्यम से अनाज ऊपर इसमें आ जाता है और इसमें जो है इसके माध्यम से आपकी ट्राली में जाने के लिए नीचे से चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय।